हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेयर क्लास में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं फिजिक्स के पहले लेसन प्रकाश के परावर्तन का आंकिक प्रश्न। अगर आपको आंकिक प्रश्न बनाने में दिक्कत हो रही हो या न्यूमेरिकल बनाने में आपको किसी प्रकार का कोई समस्या हो रहा हो तो आप इस वीडियो को देख लें ताकि आप बिना किसी दिक्कत के सभी आंकिक प्रश्नों को बना सकें। तो आज का ये हमारा पहला वीडियो है न्यूमेरिकल का, जिसमें हम जितने भी बेसिक फार्मूले होते हैं इस चैप्टर के उस सारे फार्मूलों के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम आज आंकिक प्रश्न को हल करना सिखाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल बनाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेना बहुत ही आवश्यक होता है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला लिखे गए हैं। अगर ये फार्मूला आप याद रखते हैं तो फिजिक्स के पहले लेसन जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, इससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल होंगे या जितने भी आंकिक प्रश्न होंगे वो आसानी पूर्वक आप बना लेंगे। इसमें किसी प्रकार की आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम एक एक करके सभी फार्मूलों के बारे में आपको समझाते हैं। तो हमारा पहला फार्मूला होता है फोकस दूरी एफ बराबर आर बाई टू। अब ये पहला फार्मूला एफ बराबर आर बाई टू क्या होता है? तो आर हमारी वक्रता त्रिज्या होती है और एफ जो होता है वो फोकस दूरी होता है। फ्रेंड, इसके पहले मैंने इसमें कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं प्रकाश के परावर्तन से संबंधित, जिसमें मैंने आपको सभी अलग अलग काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, फोकस दूरी और सारे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर किए हुए हैं। अगर आप अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारा दूसरा सूत्र होता है दर्पण सूत्र, वन बटा एफ बराबर वन बटा वी प्लस वन बटा यू। ये हमारा दर्पण सूत्र है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है आंकिक प्रश्न बनाने के लिए। लगभग जितने भी प्रश्न होते हैं वो इन्हीं दो फार्मूलों पे दिए जाते हैं। अब तीसरा फार्मूला होता है आवर्धन का, आवर्धन बराबर हो आवर्धन जिसका संकेत m होता है और m बराबर h डैश बटा h होता है, जहाँ h डैश हमारी प्रतिबिंब की ऊँचाई होती है और h जो होता है वो वस्तु की ऊँचाई होती है। इसका एक और फार्मूला होता है m बराबर माइनस वी बटा यू, जहाँ वी हमारी प्रतिबिंब दूरी और u हमारा वस्तु दूरी होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी वी प्रतिबिंब दूरी, u वस्तु दूरी और f जो होता है वो फोकस दूरी होता है। न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसका चिन्ह, और उस चिन्ह को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो उससे संबंधित जितने भी चिन्ह होते हैं वो सभी बातों को मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अगर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो जितने भी न्यूमेरिकल होंगे इस चैप्टर के आपको बनाने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और हमेशा ये सब याद रखिएगा, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर ये याद नहीं होगा तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में काफ़ी दिक्कत होगी। और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है, मतलब निगेटिव होती है। अब ये धनात्मक और ऋणात्मक क्यों होते हैं, इनके लिए चिन्ह प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं चिन्ह प्रॉपर्टी के लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उत्तल दर्पण जो होता है वस्तु का हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है, एक होता है हमारा रियल प्रतिबिंब, दूसरा होता है वर्चुअल प्रतिबिंब, जिसको काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब भी कहते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉनकेव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स, जिसे हम लोग अवतल और उत्तल के नाम से भी जानते हैं। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बढ़ते अपने अगले मेन टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है अवतल दर्पण जो होता है वस्तु का काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, परंतु उत्तल दर्पण जो है सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ये बात याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगला टॉपिक, काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए हम लोग न्यूमेरिकल बनाते समय हमेशा प्लस का चिन्ह इस्तेमाल करते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हम लोग निगेटिव मतलब ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं।
अब इन सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए चलिए हम आपको सिखाते हैं कि न्यूमेरिकल आप कैसे बनाइएगा। और न्यूमेरिकल बनाने से पहले मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि ये जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं, जितने भी यहाँ पे फार्मूला दिया गया है, ये याद होना आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपको याद नहीं होगा तो आंगिक प्रश्न बनाने में आपको काफ़ी दिक्कत होगी। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि हम लोग किस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी निकालें। तो चलिए अब हम इसको आपको बनाना सिखाते हैं कि आप कैसे इसको बनाइएगा। सबसे पहले आपको लिखना होगा, दिया है, गिवेन। फ्रेंड्स, किसी भी आंकिक प्रश्न को या किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले अगर आप उस प्रश्न में दिए गए सभी टॉपिक्स को लिख लेते हैं तो आपको ये अंदाज़ा लग जाता है कि आपको कौन सा उसमें फार्मूला लगाना है और कौन सा फार्मूला उसमें नहीं लगाना है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया है, दिया है, या आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं गिवेन। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी गई है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। फ्रेंड्स, वक्रता त्रिज्या का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल आर, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 36। अब यहाँ पे हमें चिन्ह लगाना होगा, तो प्लस या माइनस का चिन्ह लगेगा, लेकिन यहाँ पे किसी दर्पण का नाम नहीं दिया, सिर्फ गोलीय दर्पण लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे, इसको 36 ऐसे ही छोड़ देंगे। और पूछ रहा है कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फोकस दूरी। फ्रेंड, फोकस दूरी का जो सिंबल होता है वो स्मॉल एफ होता है, और ये हो गया वाट। यहाँ पे लिख देंगे हम बाय फार्मूला या सूत्र से, सूत्र कहता है फोकस दूरी एफ बराबर आर बाई टू। तो अब यहाँ पे हमारा ये एफ हो गया और आर की वैल्यू दी हुई है 36/2, इसको आप काट दीजिएगा तो आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। अतः फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर है, ये हो गया हमारा आंसर। फ्रेंड, इस प्रकार से अगर आप न्यूमेरिकल बनाइएगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में तो इसके जितने भी नंबर्स होते हैं वो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं समझे हैं तो वीडियो को आप फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए, या वीडियो को पॉज करके इसको बार बार देखिए ताकि हर न्यूमेरिकल को आप अच्छे से समझ सकें। तो बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। मतलब यहाँ पे उत्तल दर्पण दिया हुआ है जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी हमें निकालना है। आप निकालिए और मैं भी यहाँ पे निकालता हूँ। तो आप जानते हैं कि फोकस दूरी निकालना, और फोकस दूरी का एक ही फार्मूला होता है F=R/2। तो यहाँ पर भी हम यही फार्मूला लगाएंगे, लेकिन इससे पहले हम इसमें लिख लेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे अपना, दिया है तो दर्पण यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं दर्पण। दर्पण में कौन सा है, तो उत्तल दर्पण है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं उत्तल। और फ्रेंड्स, जैसे मैंने अभी पिछले टॉपिक में आपको बताया कि उत्तल दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो फोकस दूरी धनात्मक होती है तो उसकी वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक ही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लिख लेते हैं वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या का सिंबल होता है कैपिटल आर, 20 सेंटीमीटर तो प्लस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी इसकी निकालनी है, फोकस दूरी का सिंबल स्मॉल एफ बराबर वाट हो जाएगा। तो अब हम इसको बना देंगे, यहाँ पे लगा देंगे फार्मूला सूत्र से, सूत्र क्या कहता है, F=R/2। तो R की वैल्यू दी गई है प्लस 20 सेंटीमीटर/2। अब इसको आप हल कीजिएगा तो आ जाएगा प्लस 10 सेंटीमीटर। अतः इसकी फोकस दूरी
10 सेंटीमीटर होगी। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप नीचे का ये लाइन लिखिएगा तो इसमें आप ना तो धनात्मक चिन्ह दीजिएगा और ना ही ऋणात्मक। इस वाले लाइन में कोई चिन्ह नहीं दिया था, क्योंकि जो हमारा प्रश्न होता है उसमें भी कोई चिन्ह नहीं देता है, इसलिए हम भी यहाँ पे चिन्ह नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर जब भी हम न्यूमेरिकल में दिया हुआ लिखेंगे तो यहाँ पर हम उस चिन्ह का जिक्र ज़रूर करेंगे, ताकि हमको फार्मूला लगाते समय कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर चिन्ह बदल जाएगा तो हमारा जो आंसर होगा वो भी बदल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है, किसी अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी यदि दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो। फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है जिससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को रखा गया है, और उस दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है। तो हमें ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, मतलब प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दिया है लिखेंगे गिवेन, तो यहाँ पे लिख लेंगे दर्पण, मिरर, मिरर कौन सा दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप अवतल दर्पण दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अवतल। अब इसके बाद दे रहा है कि 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु, मतलब कि वस्तु की दूरी। फ्रेंड, दर्पण से वस्तु के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग वस्तु दूरी कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी इसका संकेत होता है u। अब यहाँ पे दिया गया है 60 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, एक चीज़ यहाँ पे आप याद रखिएगा, या तो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, या अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, वस्तु की जो दूरी होती है उसका चिन्ह हमेशा नकारात्मक होता है, नेगेटिव चिन्ह होता है। अब ये क्यों होता है ये चिन्ह प्रॉपर्टी में हम लोग जानेंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। अब यहाँ पे फोकस दूरी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी का स्मॉल एफ होता है सिंबल। अब यहाँ पे दर्पण है अवतल, और मैंने अभी भी पीछे आपको बताया था इम्पोर्टेंट फार्मूला में कि जो अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी हमेशा नकारात्मक होती है, तो यहाँ पे लिख लेंगे -15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति का अर्थ हुआ कि प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रतिबिंब दूरी, मतलब भी ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यू भी और एफ दिया हुआ है, और यू भी एफ का एक ही फार्मूला होता है दर्पण सूत्र, तो हम यहाँ पे लगा देंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, तो 1/F = 1/V + 1/U। अब एफ की वैल्यू दी हुई 15, तो -1/15, और प्रतिबिंब दूरी नहीं दिया तो इसको हम छोड़ देंगे। अब ये देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह है और वस्तु में यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस हो जाएगा -1/60। अंक और अंक को एक तरफ कर लेंगे -1/15, और ये माइनस का हो जाएगा इधर +1/60 = V। अब ये भिन्न का जोड़ हो जाएगा फ्रैक्शन का, अब यहाँ पे लघुत्तम हम निकाल देंगे, LCM हो जाएगा 60, 15 × 4 = 60, 60 × 60 = 1/V। इसको हल करेंगे तो 1/V = 4 में से 1 जाएगा तो -3/60, अब ये कट जाएगा तो हो जाएगा -1/20, मतलब 1/V का वैल्यू हो जाएगा -1/20। लेकिन हमको तो V का वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे 1/V, तो हम यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे, तो क्रॉस गुना करेंगे तो V की वैल्यू हो जाएगी -20 सेंटीमीटर, मतलब जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, तो लैंग्वेज में यहाँ पे लिख देंगे अतः प्रतिबिंब दूरी 20 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पे हम लिख देंगे अतः प्रतिबिंब की स्थिति 20 सेंटीमीटर है, अतः प्रतिबिंब की स्थिति जो है 20 सेंटीमीटर है।
उम्मीद करते हैं न्यूमेरिकल आप ये समझ गए होंगे। बढ़ते अपने आखिरी लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ चार ही न्यूमेरिकल जानेंगे, फिर आने वाले वीडियो में हम आपको आगे न्यूमेरिकल बताएंगे। तो चलिए फटाफट उसको भी लिख लेता हूँ मैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी निकालें। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक उत्तल दर्पण है जिसे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी ऑब्जेक्ट को रखा गया है, और उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो मिरर से, दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो हमें ज्ञात करना है कि जो दर्पण है उत्तल, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो फटाफट मैं इसको बनाता हूँ, आप देखते जाइए, सीखते जाइए। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, दिया है, दर्पण कौन सा है वो भी लिख लेंगे हम। तो दर्पण यहाँ पे देख रहे हैं कि उत्तल दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे उत्तल लिख लेंगे। उत्तल दर्पण को कन्वेक्स मिरर भी कहा जाता है। अब यहाँ पे ले रहा है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई, मतलब कि वस्तु दूरी और वस्तु दूरी का संकेत क्या होता है, यू। अभी मैंने बताया कि वस्तु दूरी चाहे कोई भी दर्पण हो या लेंस हो, उसमें हमेशा ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद प्रतिबिंब दूरी दी गई है, तो मैं फटाफट लिख लेता हूँ, प्रतिबिंब दूरी इसका संकेत वी होता है, और ये 12 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको नोट्स में बताया था कि जो उत्तल दर्पण होता है वो हमेशा वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए हमेशा हम लोग प्लस का चिन्ह इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा प्लस 12 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें निकालना है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी एफ बराबर वन, यू बी और एफ का एक ही फॉर्मूला होता है, वो होता है दर्पण सूत्र। तो हम फटाक से ना दर्पण सूत्र लगा लेते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो अब f की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो इसको निकालनी है, तो हम इसको छोड़ देंगे। v की वैल्यू दी हुई है 1/12 प्लस माइनस 1/। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा, तो 12 पंचे 60 और 20 तिहाई 60। इसको हम आगे बढ़ते हैं, 5 में से 3 जाएगा तो 2/60, इसको काट देंगे तो 1/30। अब f की वैल्यू आ गई 1/30, हमें f की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे क्रॉस गुना कर देंगे, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हर कोई आसानी पूर्वक न्यूमेरिकल को बना सके। कल वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके आगे के न्यूमेरिकल जो होते हैं उसको बनाएंगे। ये जितने भी चार न्यूमेरिकल हम लोग बनाए, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, अब इससे हार्ड क्वेश्चन हम लोग अगले आने वाले वीडियो में बनाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो।